फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होम रेमेडी, जो आप लोगों को टाइटल पढ़ के ही पता चल गया होगा। मैं आज बनाने वाली हूँ होममेड मेकअप रिमूवर। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली हमारे घर पे आजकल ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और बनाकर इसे आप 3-4 महीने तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करके अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, उसके पास जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, और ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसके लिए हमें चाहिए पहले एक एमपीटी डिब्बा। फ्रेंड्स, माइंड मत करना, मैंने थोड़ा बड़ा डिब्बा ले लिया क्योंकि मेरे पास नहीं था छोटा डिब्बा। आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। सो उसके लिए इसलिए एक चाहिए एमपीटी डिब्बा, जो क्लीन होना चाहिए। अगर आप अच्छे से क्लीन करना चाहते हो तो उबाल के क्लीन करें। और दूसरा हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का लिया है, अगर आपके पास कांच का हो या फिर जैसा भी हो आप ले सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए एलोवेरा जेल, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप पौधे का या फिर जो हमारे घर पे उगते हैं नेचुरली, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे आप क्या करना पड़ेगा, एक या दो दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है, इसमें स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर तीसरा हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर जैतून का तेल या फिर कैस्टर ऑयल, ऐसा कुछ ले सकते हैं, या फिर बादाम ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है क्योंकि कोकोनट ऑयल में बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है जो हमारे मेकअप को रिमूव, कुछ लोग तो सिर्फ कोकोनट यूज़ करके रिमूव कर, लेकिन सिर्फ ऑयल भी हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा मैंने लिया पे यहाँ पर रोज़ जेल, इससे बड़ा वाला, इसका मैंने फुल रिव्यू किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने इसका फुल रिव्यू किया है। इसका बड़ा वाला ट्यूब आज तक नहीं मिला, तो मुझे छोटा खरीद कर ही काम चलाना पड़ रहा है, मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए ये सिर्फ आता है 20 रुपये का, तो 20 रुपये में ही काम चलाना पड़ रहा है। तीसरा हमें चाहिए एसेंशियल ऑयल, मैं यहाँ पर यूज़ कर ली हूँ लेवेंडरी एसेंशियल ऑयल। आप चाहे तो ज़्यादातर मेकअप रिमूवर में लेवेंडरी या फिर लेमन ऐसा अच्छा रहता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसके फ़ायदे भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं बेबी जॉनसन का बेबी ऑयल, आप चाहे तो हिमालया का भी बेबी ऑयल आता है, डाब का भी बेबी ऑयल आता है, आप वो ले सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल हो, या फिर आप सिर्फ बादाम के तेल से ही काम चला सकते हैं कोकोनट के साथ मिला के, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। और हमें चाहिए 1 चम्मच, और मैं यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद एक जो मेन चीज़ है वो है पानी। आप चाहे तो पानी ख़रीद सकते हैं, जो 10, 12 या 15 रुपए का पानी आता है आप ख़रीद सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में आरओ लगा हो तो आप आरओ का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आरओ का यूज़ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पानी। एक चम्मच बेबी ऑयल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। रोज़ जेल अगर आपको ये ना मिले मार्केट में, अभी गुड वाइब्स का भी रोज़ जेल बहुत अच्छा है।
मैंने यहाँ पर 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाला है। मैंने यहाँ पर 8-10 बूंदे एसेंशियल ऑयल के डाले हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मेकअप रिमूवर के कंटेनर में भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। हमने इसमें कोकोनट ऑयल डाला है, जो आजकल के हर मेकअप रिमूवर में ऑयल होता है। हमने यहाँ पर आरओ का पानी यूज़ किया है। हमने यहाँ पर रोज़ जेल डाला है, एसेंशियल ऑयल डाला है, ताकि हमारे स्किन की बैक्टीरिया ना रहे। और हमने यहाँ पर बेबी ऑयल यूज़ किया है। हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा जेंटली लाइटली मॉइस्चराइज़र भी करेगा। ये हो गया हमारा मेकअप रिमूवर तैयार। आप इसे आसानी से 3-4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करके रख के। अगर फ्रिज हो तो बहुत ही अच्छा है, फ्रिज ना हो तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तरह कम कम करके बनाएं और यूज़ करें फिर बनाएं। अब मैं आप लोगों को इसे यूज़ करके बताऊंगी। यहाँ पर मैंने लिया एक कॉटन पैड। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है। यहाँ पर मैंने लगाई थी लिक्विड लिपस्टिक। देखो स्मच नहीं हो रहा बिल्कुल। अब मैं लगाऊंगी मेकअप रिमूवर। थोड़ा सा प्रेस कीजिए। देखिए हमने जेंटली किया तो इतना निकल आया। दवा मत डालिए, थोड़ा सा वेट कीजिए तो अच्छे से निकल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की लिपस्टिक है, इसलिए अगर लिप्स पे कभी आप मेकअप रिमूव करें तो धीरे धीरे से ही करें। काजल वगैरह होता, लाइनर मस्कारा होता तो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो हमेशा मेकअप रिमूवर ट्राई करना हो तो लिक्विड लिपस्टिक पे ही करना चाहिए। हमने हाथ पे लगाया है, हाथ पे थोड़ा हार्ड रहता है। धीरे धीरे से करना होता है, ज़्यादा दबाव ना डालें। ये हाथ है, और अगर चेहरे पे करो तो ज़्यादा तेज़ी से तो रिंकल आने लगते हैं। अगर ये लाइनर होता, काजल होता तो आसानी से निकल जाता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड लिक्विड लिपस्टिक है, इसलिए जब भी आप चेहरे पे मेकअप रिमूव करें इसी तरह धीरे धीरे करें, जल्दी नहीं है। देखिए
पूरा लिपस्टिक यहाँ पर फैल गया है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लिपस्टिक है। देखिए निकल गया। जब भी हम मेकअप यूज करें तो इसी तरह धीरे धीरे से करें, ना कि दबाव डाल के। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इसे बनाकर ट्राई भी करना। हाथ पे अलग होता है, फेस पे अलग होता है। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल।